अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? कल इंटरनेट ना चलने की वजह से कल मैं लेक्चर अपना नोट नहीं करवा सका, तो आज मैं कल का जो प्रीवियस लेक्चर है उसको मैं आज कंटिन्यू करूँगा। ये आज हमारा सेकंड लेक्चर है, स्टार्ट करते हैं। ये मैं आपके साथ अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, ये देखिए हमारा चैप्टर नंबर, ये वैसे तो हमारा चैप्टर नंबर 2 है बुक के मुताबिक, लेकिन हम इसको चैप्टर 1 कंसिडर करेंगे, कौमी आमदनी के तसव्वुरात और कौमी आमदनी की पेमाइश। इसके अंदर हम देखेंगे कि कौमी आमदनी क्या होती है, ये कैसे पैदा होती है और इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, बेसिकली इस चैप्टर के अंदर तीन सवाल आते हैं, तीन लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। इन तीनों सवालों में से तकरीबन 70 to 80% चांस होते हैं कि पेपर में इनमें से एक सवाल आ जाए। पहला सवाल तो ये है, कौमी आमदनी से क्या मुराद है? अगर आप ये नोट कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। कौमी आमदनी से क्या मुराद है, इसके मुख्तलिफ तसव्वुरात बयान करें। ठीक है, एक क्वेश्चन तो हो गया ये। दूसरा क्वेश्चन होगा इसका, कौमी आमदनी से क्या मुराद है और इसकी पेमाइश कितने तरीकों से की जाती है। तीसरा सवाल इसमें जो बनता है, कौमी आमदनी से क्या मुराद है या कौमी आमदनी के दायरवी बहाव की वजाहत करें। ये तीन क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन इस चैप्टर के अंदर जो हम पढ़ेंगे। चलें हम देखते हैं कि अब कौमी आमदनी है क्या। मैं आपको अपने सिंपल वर्ड्स में बता देता हूँ कि कौमी आमदनी है क्या। कौमी आमदनी से मुराद एक मुल्क के अंदर जितनी अशिया व खिदमात पैदा की जाती हैं एक साल के अरसे के दौरान, एक मुल्क के अंदर जितनी अशिया व खिदमात पैदा की जाती हैं उनको अगर हम कैलकुलेट कर लें, उनको हम जमा कर लें, तो हमारी क्या कहलाती है? कौमी आमदनी कहलाती है। अब जैसे यहाँ इसको देखते हैं, इसका मफहूम, कौमी आमदनी का मफहूम मुख्तलिफ माहरीन ने मुख्तलिफ अल्फाज में बयान किया है। डॉक्टर मार्शल के मुताबिक अशिया व खिदमात की वो खास मकदार जो किसी मुल्क के लोग अपने सरमाए और कुदरती वसाइल से काम लेकर एक मुकर्रा अरसे में पैदा करते हैं। वही बात हो गई कि सारी अशिया व खिदमात इसके अंदर दोनों आएंगी, अशिया भी आएंगी और खिदमात भी आएंगी। इसका आपको सही मैंने आपको पहले भी बताया होगा, अशिया क्या होती हैं और खिदमात क्या होती हैं। ठीक है, वो आपको इसके बारे में अच्छे से पता है। तो उसके जो लोग हैं वो अपने सरमाए, जो उनका पैसा है, जो उनका सरमाया है, उसकी मदद से और कुदरती वसाइल को इस्तेमाल करके एक साल के अंदर जितनी भी चीज़ें पैदा करते हैं, अगर हम उसको इकट्ठा कर लिया जाए तो वो क्या बन जाएगी? हमारी कौमी आमदनी बन जाएगी। ठीक है, ये आगे इसकी इन्होंने तारीफ की वजाहत की हुई है, एक बार मैं रीड कर देता हूँ जस्ट इसे। कहते मुल्क के लोग साल भर में अशिया व खिदमात की जो मकदार पैदा करते हैं इसे कौमी आमदनी का नाम दिया जाता है। अशिया से मुराद है साल भर में मईशत के मुख्तलिफ शोबों से हासिल होने वाली पैदावारें। कौन कौन सी पैदावारें हो सकती हैं मुख्तलिफ शोबों से? वो ज़रई भी हो सकती हैं, एग्रीकल्चर हो सकती हैं, वो मसनूआत हो सकती हैं जो फैक्ट्रीज में इंडस्ट्रीज में बनती हैं, वो मादनियात हो सकती हैं। कि जितनी भी जरी फसलें मसलन मदनियात, जंगलात, हैवानात, नबातात वगैरह जब कुछ अरसे कुछ इदारे खिदमात सर अंजाम देते हैं, मसलन ताजिर, बैंक, ज़राए, नकल हमल, रसल वगैरह, ऐसे जितनी भी ये जो हमारी क्या आ जाएंगी, हमारी खिदमात आ जाएंगी इसके अंदर। बाकी उन्होंने जो खिदमात दी हैं वो कौन सी? मसलन उस्ताद, डॉक्टर, वकील, जज, साहिबान वगैरह, ये इनकी क्या आ जाएंगी? ये सारी खिदमात हो जाएंगी। जो ऊपर हमने डिस्कस किया वो क्या है इन सब की? वो अशिया हैं और जो सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं वो क्या? खिदमात है। अगर हम इनको मजमुआ कर लें या इनको हम इकट्ठा कर लें तो वो क्या मिल जाएगी किसी मुल्क की एक से के दौरान? उसे क्या बन जाएगी? वो कौमी आमदनी बन जाएगी। प्रोफेसर फिशर ने कौमी आमदनी की तारीफ इन अल्फाज में की है। कैसे की? उन्होंने डिफाइन किया, कहते अशिया व खिदमात की वो मकदार जो एक साल में सर्फ की जाए, यानी कि जो एक साल में खर्च की जाए, उसको कौमी आमदनी कहती है। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे मूव होते हैं। उसके ऊपर जो इन्होंने और भी काफी डेफिनेशंस दी हुई है डिफरेंट इकोनॉमिस्ट की, ये वेट ये
प्रोफेसर एसी पीगो, उनके मुताबिक कौमी आमदनी क्या है? कौमी आमदनी कौम की मादी दौलत के उस हिस्से पर मुश्तमिल होती है जिसे जर की मदद से मापा जा सके। नेज इसमें बैरूनी ममालिक से हासिल शुदा आमदनी भी शामिल होती है। ये इसकी उन्होंने एक डेफिनेशन की हुई है, ठीक है। आगे ये दो तीन मिनट डेफिनेशन आपको पढ़कर सुनाई है, आप जो आपके पास जो बुक है आप उसमें भी इसको रीड कर सकते हैं। अब इसके अंदर देखते हैं कि कौमी आमदनी का तयन करते हुए हमें किन करते वक्त मंदरजा ज़ेल अमूर को मद्देनजर रखा जाता है, किन चीज़ों को हम ज़रूरी देखते हैं, वो कौन सी? नंबर एक, कौमी आमदनी में एक साल के दौरान अशिया व खिदमात के भाव की मालियत ली जाती है। जितनी भी अशिया व खिदमात पैदा हुई होती हैं, जो एक्सचेंज हो रही होती हैं, उसकी मालियत ली जाती है। उनकी मालियत का मतलब उनकी बाजारी कीमत या उनकी कीमत ली जाती है। इसका मतलब ये है कि एक साल के दौरान तमाम अशिया व खिदमात की बाजारी कीमत के लिहाज से मालियत का अंदाज़ा लगाया जाना चाहिए, वो अशिया इस्तेमाल में आ चुकी हों या इस्तेमाल में आने से रह गई हों। नंबर दो, सरमाए की फरसूदगी के अलाउंस से मुराद है कि जिसको हम इसमें दर्जल अमूर को मद्देनजर रखते हैं वो कौन सा है? दूसरे नंबर पे सरमाए की फरसूदगी के अलाउंस, वो क्या होते हैं कि मुराद? मशीनों की मरम्मत और तजदीद वगैरह के लिए पैदावार में हर साल अलहदा अलाउंस निकालना चाहिए ताकि जब मशीन की उम्र ख़त्म हो जाए तो इनसे कटौतियों की सूरत में इस कदर रकम दोबारा जमा हो जाए कि इसे नई मशीन खरीदी जा सके और सरमाया असल हालत में मौजूद रहे। नंबर तीन, बाज़ औक़ात शेयर की कीमत में टैक्स भी शामिल होता है जो कि हुकूमत की आमदनी का जरिया बनता है, लिहाजा कारोबारी हजरात की सही आमदनी मालूम करने के लिए इस टैक्स को कीमत से मिनहा कर दिया जाता है, माइनस कर दिया जाता है या निकाल दिया जाता है। ये जो अब तक हमने पढ़ा है ये तो सिंपल कौमी आमदनी की तारीफ, ठीक है। दूसरा, इसके अंदर जो इस सवाल जो मैंने आपको पहले बताया था कौमी आमदनी के मुख्तलिफ तसव्वुरात, ये इस सवाल का दूसरा हिस्सा है, ठीक है। इसके अंदर मुख्तलिफ तसव्वुरात जो है कौमी आमदनी के उसको ज़ेर बहस लाया जाता है। इनमें कौन कौन से हैं आज के लेक्चर में जस्ट आपको मैं इनका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूंगा और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपको मैं इसको तफसील से बताऊंगा। पहला है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या खाम मुल्की पैदावार। खाम मुल्की पैदावार ये किसी भी मुल्क की आमदनी होती है, टोटल आमदनी होती है जो एक मुल्क के अंदर जितनी भी सेवा खिदमत पैदा की जाती हैं उसकी जुग्राफिया हदूद के अंदर, इसके अंदर हम सबको हम जमा कर लेते हैं। उसके बाद है GNP। अब ये देखें GNP क्या है, खाम कौमी पैदावार या मरकब कौमी पैदावार। इसके अंदर असल में हम एक थोड़ा सा डिफरेंस लेते होते हैं, असल में ये GDP की तरह ही होती है लेकिन इसके अंदर हम एक और इनकम को ऐड कर लेते हैं। वो कौन सी इनकम है? जो हमारे पाकिस्तानी हमारे जो नेशनल्स हैं वो दूसरे मुल्क में काम कर रहे हैं, हम उनकी आमदनी को इसमें जमा कर लेते हैं और जो गैर मुल्की हमारे मुल्क के अंदर काम कर रहे हैं उनकी आमदनी को हम क्या कर देते हैं? माइनस कर लेते हैं। इन जो पाकिस्तानी की इनकम है और जो गैर मुल्कियों की इनकम है उन दोनों का जो डिफरेंस होगा उसको हम क्या कर लेंगे? उसको हम GNP कह देते हैं। उसके बाद ये नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट खालिश कौमी पैदावार, नेट नेशनल प्रोडक्ट खालिश कौमी पैदावार, इन दोनों का क्या डिफरेंस है? अगर हम GDP के अंदर से फरसूदगी के अलाउंस को माइनस कर देंगे तो वो हमारी खालिश कौमी पैदावार बन जाएगी और अगर हम GNP में से फरसूदगी के अलाउंस को माइनस कर देंगे तो वो क्या बन जाएगी? हमारी खालिश कौमी पैदावार बन जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें कौमी आमदनी है ये वही डेफिनेशन है, इसको हम तफसील से कल देखेंगे। अब 6 नंबर पर है शख्सी आमदनी या पर्सनल इनकम, एक फर्द की आमदनी वो कौन सी आमदनी है, उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? आपको मैं सिंपल मीनिंग में बताता हूँ कि शख्सी आमदनी होती क्या है। एक आदमी के तमाम सोर्सेज से जो अपने सोर्सेज से जो इनकम हासिल करता है उसको कहते हैं पर्सनल इनकम या शख्सी आमदनी, ठीक है, इसको हम तफसील से कल देखेंगे। 7 नंबर पर है काबिले तसर्रुफ शख्सी आमदनी, डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम। सिंपल, अगर आपकी पर्सनल इनकम में से हम डायरेक्ट टैक्सेस को बराह रास्त टैक्सेस को अगर हम मिनहा कर दें माइनस कर दें तो वो बन जाती है काबिले तसर्रुफ शख्सी आमदनी। आज का लेक्चर जस्ट यहाँ तक है, आप इसको अपनी बुक से एक बार रीड कर लें,
अगर आपको इसमें कोई इश्यू हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पर पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।